हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक कुमार, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देने वाला हूँ, जिसपे आप काम करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, आप एक चीज़ देख सकते हैं, कल का ये पूरा चार्ट है, ये कल पूरे दिन का चार्ट है और 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम में चार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से 16,423 पे सपोर्ट लिया है एंड निफ्टी का 200 DMA कहाँ पे आ रहा है, लेट मी चेक एक बार। ओके, 200 DMA यहाँ पे है 15 मिनट के चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखना होगा एक बार, मैं डेली चार्ट पे भी एक बार मॉनिटर कर लेता हूँ। बिल्कुल, ये देख रहे हैं, ये 200 DMA है। आज होगा क्या वो आपको देखना है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा निफ्टी का 16,295 यानी 16,300 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग दोबारा चलते हैं। अभी आपको करना क्या है, सिंपल सा रूल होगा आज। आज जैसे SGX निफ्टी वगैरह सारे पॉजिटिव ओपन हुए, तो अगर निफ्टी कहीं इस लेवल, ये जो ग्रीन येलो हॉरिजेंटल लाइन है 16,635, इसके आसपास कहीं ओपन होता है, तो इमिडिएटली आप बाई करके चल सकते हैं। आपका जो अपसाइड में टारगेट रहेगा वो 16,841 रहेगा, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकेंड जो टारगेट रहेगा आपका वो होगा 16,981 या 980, ठीक है, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये शॉर्ट कवरिंग, अगर गैप अप ओपन हो जाता है काफ़ी बड़ा, अगर आसपास मान के लिए इसके आसपास गैप अप ओपन होता है 16,650 16,700 के आसपास, तब थोड़ा हो सकता है कि वो गैप अप सस्टेन ना करे और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, यानी 16,841 से रेजिस्टेंस लेके वापस से इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो निफ्टी में इस तरह से आपको चलना है। प्लस अगर मान के चलिए निफ्टी कहीं इस पोजिशन पर ओपन होता है 16,500 और 16,419 के बीच में कहीं पर, ठीक है, यानी फ्लैट ओपनिंग देता, तो उस सिचुएशन में जैसे ही ये लेवल नीचे कटेगा, यानी 16,421 का लेवल जैसे ही नीचे कटता है, आप सेल करके चल सकते हैं। आपका टारगेट 200 DMA होगा, जो 16,300 का है, जो कि इजीली आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद फर्दर अगर फॉल दिखता है तो फिर 16,200 16,100 तक भी टारगेट जा सकता है। तो ये आपको निफ्टी में लेके चलना, और गैप डाउन अगर होता है तो गैप डाउन होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 15 मिनट, देन आप इसमें बाइंग या सेलिंग जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उस हिसाब से काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। कल बैंक निफ्टी ने भी अपना थोड़ा पुलबैक देने की कोशिश की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी अभी 200 DMA के नीचे है, EMA के नीचे है, ठीक है, अभी देख सकते हैं ये, बिल्कुल ये 200 EMA यहाँ पे आ रहा है 35,455, और इसके नीचे ही बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रही है। तो ये बहुत रिस्की जोन है, लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा, तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी थोड़ा आपको सावधान रखना होगा, और जैसा आपको ट्रेड मिले उस हिसाब से आपको काम करना होगा। अभी के लिए क्या है कि बैंक निफ्टी अगर मान के चलिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 34,523 के आसपास या थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो आप जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपसाइड में 35,234 रहेगा, एंड उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेके वापस से सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है और नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी आज फिर आपको बेरिश साइन ही दिखाएगा। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं पे, और उसके बाद ये अपसाइड का ग्रीन कैंडल को एक बनाता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो इमिडिएटली आप बाई कर सकते हैं। आपका अपसाइड में टारगेट 35,234 35,500 तक भी जा सकता है शॉर्ट कवरिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, ताकि आप भी इसमें कुछ प्रॉफिट कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।